अब हुजूर से मोहब्बत जो लोग करते हैं तो क्या हुजूर ने उनको उबारा, जैसा कि हदीस पाक में अब हुजूर ने अपनी मोहब्बत का पैगाम दिया, अब हुजूर तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीजें हुजूर ने इरशाद फरमाई कि जिसकी बदौलत बंदा हुजूर की मोहब्बत अतम पा लेता है। तो दूसरी हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तीन चीजें जिसमें हो तो फरमाया वो ईमान की लज्जत मिठास और चाशनी पा लेगा। यानी हरारत ईमान अगर चेक करना हो तो फरमाया तीन चीजें जिसमें हो तो वो ईमान की लज्जत पाएगा, मिठास पाएगा। तो लोगों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो क्या है, तो हुजूर ने सबसे पहला जो इरशाद फरमाया वो ये कि जिसको अल्लाह और उसके रसूल कायनात की हर चीज से प्यारे हो तो समझ लो उसने ईमान की लज्जत पाली। ये मोमिन के लिए जरूरी है। हुजूर ने फरमाया ईमान की लज्जत के लिए जरूरी है। दूसरी चीज इरशाद फरमाई, और जो किसी बंदे को खास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए महबूब रखे तो फरमाया अल्लाह उससे भी ईमान की लज्जत अता फरमाएगा। यानी किसी से मोहब्बत करना तो सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें जो दिल दिया है ना उसमें मौला अली की भी मोहब्बत है, माँ खातून ने जन्नत की भी मोहब्बत है, इमाम हुसैन पाक की भी मोहब्बत है, इमाम हसन पाक की भी मोहब्बत है, रसूलुल्लाह के पूरे खानदान की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत है, ताबईन की मोहब्बत है, तबे ताबईन की मोहब्बत है, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत है, अजवाज मुतहरात की मोहब्बत है, औलिया किबार की मोहब्बत है। हद तो यह है कि रसूलुल्लाह से लेकर ऊपर हजरत आदम अलैहि सलाम तक और हुजूर के बाद से लेकर सिद्दीक अकबर से लेकर हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद और अभी के अकाबरीन सादात मशाइख और औलिया तक अल्लाह ने हमारे सीने को इनकी मोहब्बत से जो शरशार फरमाया है, हमें इन बुजुर्गों से कोई गर्व नहीं। हम हुजूर से लेकर आज के किसी शहजादे तक जिससे भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तू भी गवाह हो जाओ, या रसूलुल्लाह आप भी गवाह हो जाए, हम सब मोमिन अल्लाह से भी, आपसे भी, मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि बस अल्लाह राजी हो जाए और उसका रसूल राजी हो जाए। अगर हमारी और आपकी मोहब्बत यही है तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें ईमान की चाशनी अता फरमा देगा। कोई सनद दे या न दे, हुजूर ने तुम्हें सनद दे दी है कि अगर तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत बाकी है तो यूं समझे कि आप मोमिन हैं, आपकी लज्जत बाकी है। ये दो चीजें इरशाद फरमाई। तीसरी चीज सुनिए, और जो कुफर से रिहाई पाए, रिहाई पाने और मुसलमान होने के बाद कुफर में लौटने को ऐसा ही बुरा जानता हो जैसा अपने आप को आग में डाले जाने को बुरा जानता हो तो फरमाया अल्लाह उससे भी ईमान की चाशनी अता फरमा देगा।